इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में आपको जानकारी दे दी थी। आज हम लोग पढ़ेंगे मिक्सचर्स या मिश्रण क्या होते हैं, जरा समझ लीजिए। देखिए, जब हम कहीं पर भी दो या दो से अधिक पदार्थ मिला दें तो मिश्रण बन जाता है। जैसे बालू में चीनी मिला दें, या चीनी लेके जा रहे हैं बालू पे गिर जाए तो समझिए आपने मिश्रण बना दिया जाने अनजाने में। चीनी, पानी, दूध, चाय पत्ती आप डाल देते हैं, पका देते हैं तो चाय बन जाती है, तो मिश्रण हुआ। मिश्रण में क्या होता है, कम से कम दो पदार्थों का होना जरूरी है, कम से कम दो पदार्थों का होना जरूरी है, उनको हम लोग मिक्सचर्स बोलते हैं या मिश्रण बोलते हैं। देखा जाए रासायनिक दृष्टि से जो मिश्रण होता है या रासायनिक आधार पर मिश्रण अशुद्ध पदार्थ है। रासायनिक माने केमिस्ट्री की दृष्टि में बात कर रहा हूं, तो याद रहे इसका अर्थ ये हुआ जो पकी चाय हमारे सामने आई है कप में वो क्या है, वो अशुद्ध है, अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री। अब आप समझे, तो मिक्सचर्स को मैंने दो भागों में बांट दिया है, एक होमोजीनियस मिक्सचर्स, दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजीनियस मिक्सचर्स को हम लोग समांगी मिश्रण या विलयन भी कहते हैं। सॉल्यूशन कैसे बनता होगा आगे देख लिया जाए, कुछ नहीं करना है। घर पे डेली सुबह आप चाय पीते हैं भाई, जब आप चाय पक जाती है तो मान लीजिए दो कप चाय आई एक ही बर्तन में पकाई गई चाय, तो क्या ऐसा हो सकता है एक कप की चाय ज्यादा मीठी हो दूसरे कप की चाय कम मीठी हो, नहीं, इम्पॉसिबल, समझिएगा। वैसे जैसे आप शरबत बनाते हो गर्मियों में, आप क्या करते हो चीनी पानी नींबू सब डाल के नमक डाल के शरबत बनाते हो, तो वो शरबत होमोजेनियस है भाई। उस शरबत को एक फाइबर के गिलास में ले लीजिए, अब बढ़िया से शरबत को घोल लीजिए, तो ऐसा तो होगा नहीं कि फाइबर के गिलास में ऊपर से एक चम्मच आप क्या करिए शरबत पीजिए और नीचे से छेद करके एक चम्मच शरबत पीजिए, क्या दोनों में कोई डिफरेंस होगा, नहीं, क्योंकि वो समांगी मिश्रण है। अर्थात होमोजीनियस मिक्सचर की खासियत क्या होती है, इसमें जो भी पदार्थ आप मिलाते हैं वो एकदम घुल मिल जाता है भैया, उसमें कुछ सोचना विचारना है नहीं, ऐसे घुल मिल जाएगा कि आप ऐसा समझ लीजिए कि शरीर दो होंगे दिल एक होगा, प्रेम हो जाता है उसमें, सभी जो पदार्थ हैं वो इस तरह घुल मिल जाते हैं, उनको आप अलग नहीं कर पाते हो, तो उसको होमोजीनियस मिक्सचर्स कहते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स के लिए जो फेज होता है वो इक्वल वन होता है। अब ये क्या आ गया नया फेज, हाँ समझ लीजिए, जैसे चावल लिए हैं घर पे, मम्मी भाभी को चावल कभी बीनते हुए देखे ना, चावल में कंकड़ है क्या, छोटे चावल है तो उसको हटाते हुए आपने देखा होगा। अब देखिए चावल तो ठोस है, सॉलिड है, स्टेट तो वन है सॉलिड की, परंतु उसमें देखिए छोटा चावल होगा, मझिला चावल होगा, बड़ा चावल है। मैं मानता हूं कि उसमें तीन प्रकार के चावल है, छोटा मझिला बड़ा, तो इसका मतलब चावल तो सॉलिड है लेकिन उसमें फेजेस तीन होंगे। फेजेस मतलब जिनको आप आंख से देख लीजिए और आंखों से अलग कर लीजिए, अगर कहीं पर एक से अधिक फेज है तो आप फिजिकली भौतिक रूप से उनको अलग कर सकते हैं, बात समझ में आई। तो जो समांगी मिश्रण होते हैं इनमें फेज एक होते हैं, इसका क्या हुआ जिन दो पदार्थों को आप मिलाते हो ऐसा घुल मिल जाते हैं आप उनको अलग अलग नहीं कर पाओगे सामान्य तरीके से, बाकी टेक्निकली या केमिकली किया जा सकता है। तो ये आपका हो गया होमोजीनियस मिक्सचर, इसमें फेज वन होगा, जबकि हेट्रोजीनियस में जो फेज होगा मोर देन वन होगा। भाई आप ले लीजिए बालू पानी, तो बालू पानी हेट्रोजीनियस है, क्यों, क्योंकि बालू और पानी चाहे जितना घोल दीजिए बालू के कण सभी जगह समान मात्रा से वितरित नहीं रहेंगे, लेकिन वही शरबत में क्या था, चीनी के कण समान मात्रा से पूरे पानी में घुल जाते हैं, तो समांगी था, बालू पूर्ण रूप से पानी में नहीं घुल रहा, दैट विल बी हेट्रोजीनियस। ऐसे कीचड़ ले लीजिए, कीचड़ में क्या है कहीं गंदगी ज्यादा कहीं गंदगी कम, तो भी आपका हेट्रोजीनियस के अंतर्गत आएगा। अब एग्जाम्पल्स आप जरा देख लीजिए, शुगर प्लस वाटर आपका होमोजीनियस होगा, NaCl प्लस वाटर आपका होमोजीनियस के अंतर्गत आएगा, टी पकी हुई होमोजीनियस के अंतर्गत, एयर
भाई कई गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सब मिक्स होती हैं, उनको समान तरीके से आप अलग नहीं कर सकते हो। तो ये आपका तो होमोजीनियस के अंतर्गत आ गया, इसे सॉल्यूशन भी कहा जाता है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाएंगे जरा आप देख लीजिए। जैसे मैंने वाटर में ऑयल मिला दिया, क्या कंप्लीटली मिक्स होगा? नहीं होगा। बट यदि मैं वाटर में एल्कोहल मिला दूं, ये कंप्लीटली मिक्स हो जाता है, लोग मिला के पीते भी हैं, तो होमोजीनियस सॉल्यूशन बन जाता है। हेटरोजीनियस के अंतर्गत आपका मड आ गया, कीचड़ भी आ गया, और जैसे मैंने सैंड प्लस वाटर, ये भी आपका हेटरोजीनियस के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसमें कुछ करना ही नहीं है। और जैसे मैंने वाटर में मिला दिया CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हम इसको मिला देंगे। देखिए ये ऑर्गेनिक है, ये इनऑर्गेनिक है, हेट्रोजीनियस होगा, क्योंकि याद रहे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक अधिकतर कंपाउंड्स घुलते नहीं है भाई। आगे आप देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑर्गेनिक घुल मिल जाते हैं, होमोजीनियस बनाते हैं, और इनऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक घुल मिल जाते हैं। तो अगर देखा जाए कि आपका इनऑर्गेनिक है बट ऑयल क्या है, कार्बन हाइड्रोजन का कंपाउंड है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे इनके बारे में। तो ये तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बारे में रहा, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। लेक्चर्स में आप एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, कंपाउंड, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में सीख चुके हैं। उनसे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, जिनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, और अदरवाइज आप हमारे मोबाइल नंबर पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, एक मेल में लिख के। क्वेश्चन हमारा ध्यान से समझिएगा, आपको क्या करना है, छांटना है कि निम्न में कौन सा एटम है। जैसे एच ही लिखा है कि एटम है, कि मॉलिक्यूल है, कि कंपाउंड है, आपको लिखना है। तो आप क्या करिए, आप पेज पे तीन चार लाइन खींच के एक पर आप लिख दीजिए एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, कंपाउंड, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आपको क्या करना है, इनको अलग अलग लिखना है। सही जवाब वाले को मिल सकता है ढेर सारा आशीर्वाद। थैंक यू।